नमस्कार। सिंपल समाचार में आज हम सवाल उठा रहे हैं, ये जो हिंदू या भगवा आतंकवाद का की बात चली थी यूपीए के टाइम में, क्या वो थ्योरी अब फेल हो गया है? मक्का मस्जिद, अजमेर ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस, एक के बाद एक इसमें जो गवाह हैं वो मुकर गए हैं, एविडेंस नहीं है। और अब जो मक्का मस्जिद वाला ब्लास्ट हुआ था उसमें सब आरोपी बरी हो गए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदू या भगवा आतंकवाद जो सवाल उठाए गए थे उस वक्त यूपीए सरकार में, कुछ मिनिस्टर्स भगवा आतंकवाद कह रहे थे, मीडिया में हिंदू आतंकवाद की बात चली थी, क्या वो फेल है या सिर्फ एविडेंस सबूत ना होने के कारण ये बरी हो गए हैं? मेरे साथ नीता शर्मा थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ये पूरा केस उन्होंने शुरू से फॉलो किया है और अब जब ये एनआईए कोर्ट ने ये वर्डिक्ट भी दिया है, सबको बरी कर दिया है, तब भी नीता वहां पर थे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये मक्का मस्जिद वाला केस क्या है। 2007, 18 मई 2007 को हैदराबाद के मक्का मस्जिद के में एक ब्लास्ट हुआ था, पाइप बम का ब्लास्ट हुआ था और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। 8 लोग उसका वक्त मारे गए थे। उसके बाद गुस्साई भीड़, एक मॉब आई थी जो दंगाई हो गए थे और उस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी और पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। और पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जो हैदराबाद पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थे, उसमें शक के दायरे में थे लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद उल अंसार, हुजी जिसको कहते हैं, इन पर संदेह था। और 38 ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, गिरफ्तार किया गया था पूछताछ के लिए उनसे और उनको डिटेन किया गया था, जिनको माना जाता था इन आतंकी संगठनों के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन जून 2007 में ये केस लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी और सौंपने के बाद सीपीआई का कहना था कि ये जो केस है इसमें कोई भी इस्लामिक जिहादी आतंकी गुट शामिल नहीं है। सीबीआई का दावा था कि इस धमाके में और बाकी भी कुछ और धमाकों में अभिनव भारत नाम का एक संस्थान, जो कि आप दक्षिणपंथी कह सकते संस्थान, उसका हाथ था, ये सीबीआई का दावा था। 2009 में, अगर 2 साल बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन हुए और एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे और दलील सामने आ रही, सबूत कहना मुश्किल होगा इस वक्त, उसमें कहा जा रहा था जैसे कि एक जो कंस्पिरेटर है उनको मार दिया गया है, जो सुनील जोशी नाम के कंस्पिरेटर, उनको मार दिया गया है। 2009 में जाकर एक जगह पे चिदंबरम जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने माना था कि जो अहम गवाह है वो मर गए हैं, या तो वो लापता है या उनमें से कुछ अब नहीं रहे, मर गए हैं। तो केस एक कोल्ड केस हो गया, ये कोल्ड केस हो गया है, केस ठंडा बैठ गया है और इसमें आगे बढ़ने के आसार कम दिख रहे, लेकिन सीबीआई फिर भी कोशिश कर रही है। 2010 में सीबीआई ने कहा कि ये मक्का मस्जिद और जो अजमेर ब्लास्ट है दोनों के तार जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया है, जिस टाइप का एक्सप्लोजिव यूज किया गया है, इसमें एक आप कह सकते हैं दोनों समान हैं। अच्छा, लेकिन 2010 में स्वामी असीमानंद नवकुमार सरकार, जिन जो कि एक साधु बन गए थे, स्वामी असीमानंद, उनको गिरफ्तार किया गया। 2008 से वो लापता थे और एब्सकॉन्डिंग थे, 2010 में उनको हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ हुई, लेकिन इसके बीच ही केस में एनआईए जुड़ गई और अप्रैल 2011 में केस एनआईए के पास दिया गया। और एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस वक्त असीमानंद ने एक लिखित साइंड डिक्लेरेशन एनआईए को दिया और उस डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा, उनके लिखित डिक्लेरेशन में, उनके बयान में उन्होंने कहा कि उनके समेत अभिनव भारत के कुछ लोगों ने ये साजिश रचा था और ये जो ब्लास्ट हुए इसमें उन्हीं का हाथ है। ये उनका बयान था कि अभिनव भारत के साथ मिलकर उन्होंने ये ब्लास्ट करवाया था, अभिनव भारत के कुछ बड़े लोगों ने किया था। सीबीआई और एनआईए ने एक चार्जशीट दायर की, एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दायर हुआ और 10 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर किया गया और 2 एब्सकॉन्डिंग जो जिनको सीबीआई पकड़ नहीं पाई।
ये सभी आरोपी जो हैं, जैसे कि मैं कह रहा था, अभिनव भारत के से जुड़े हुए हैं, और उनको कहा गया कि ये अभिनव भारत के लोगों का ये साजिश है, और उसके बाद ही ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन 2017 में, मार्च 2017 में, सीमानंद को जमानत मिली, वो जमानत में गए, और उसके बाद से जो सबसे अहम गवाह थे, कर्नल पुरोहित, आर्मी के थे, कर्नल पुरोहित ने गवाही दी थी। उनका मानना था कि, उनका कहना था, एनआईए का दावा था कि कर्नल पुरोहित ने कहा है कि लोगों ने उनको फोन करके बताया था कि ये ब्लास्ट उन्होंने करवाया है और अभिनव भारत के लोगों ने ये साजिश रचाया, उनको पता था। लेकिन 2018 में कर्नल पुरोहित ने कहा, फरवरी 2018 इसी साल में कर्नल पुरोहित उससे मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अभिनव भारत के किसी से कभी नहीं मिला, ना ही उनमें से किसी ने कभी मुझे फोन किया है। और अप्रैल 2018 और एनआईए की अदालत ने 16 अप्रैल 2018 को सबको बरी कर दिया, ये कहकर कि सबूत काफी नहीं है। मेरे साथ नीता शर्मा इस वक्त है। नीता, एनआईए कोर्ट ने क्या सिर्फ यही कहा है कि सबूत नहीं है, या उनका कहना है कि सबूत जो है वो भी मतलब एक तरीके से स्टेज किए गए हैं? आनंद, जो स्पेशल कोर्ट है जिसने ये केस सुना आज यहाँ पे, उसने जो फैसला सुनाया उसने कहा कि जो एविडेंस प्रोवाइडेड बाय एनआईए वो जो था वो कंप्लीट प्रूफ नहीं था। एनआईए ने अपना जो दो तीन तरह के जो प्रूफ हैं वो कोर्ट के आगे रखे थे। सबसे पहले उसने सेल्फ का जो स्टेटमेंट है, असीमा नंद और जो हरी भाई हैं उनका जो स्टेटमेंट है, उन दोनों का स्टेटमेंट 164 का उसे बिना बनाया था कि ये लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा उन्होंने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को भी बिना बनाया था। उनका ये कहना था कि जितने भी आरोपी हैं, जो सात आरोपी जिनके नाम जद हैं इस आरोप पत्र में, मक्का मस्जिद वाले ब्लास्ट केस में, वो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे थे धमाके के बाद भी। पोस्ट ब्लास्ट जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी उसके बारे में भी वो एक दूसरे से जानकारी दे रहे थे। यहां तक एनआईए ने कहा था कि ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो लगाए गए थे ऑल ओवर इंडिया में, कई जगह ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए थे। जितने आरोपी हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली थी, ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग ली थी, आर्म्स और एक्सप्लोजिव चलाने की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन और जो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया उन्होंने एक्सप्लोजिव आईईडीज को, ये पूरा का पूरा जो असेंबल हुआ था आईईडीज, ये इंदौर में हुआ था। इंदौर से भोपाल भेजा गया और भोपाल से जो कंपार्टमेंट होता है, जो रिजर्व कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, उसमें ये एक्सप्लोजिव रखकर हैदराबाद लाया गया 17 तारीख को। और 18 तारीख जो एविडेंस, जो चार्जशीट एक तरीके से है एनआईए ने दिया है, तो ये क्या पूरा का पूरा सिर्फ कन्फेशनल पे बेस्ड है? क्या ये सिर्फ कन्फेशन है, जो लिखित कन्फेशन साइंड डिक्लेरेशन था असीमानंद का, और कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनके पास नहीं था? एनआईए तो ये क्लेम कर रहा है कि वो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स पर भी गई थी और उसने जो ट्रेनिंग की मैं आपको बात कर रही थी, जो एक्सप्लोजिव्स की बात कर रही थी, वो कह रही थी कि उन्होंने 11 सिम खरीदे थे, 4 मोबाइल फोन खरीदे थे नोकिया के, जो 11 सिम थे। एनआईए ने कहा कि किस फिक्टिशियस नामों पे ये फोन जो हैं वो खरीदे गए थे, वो भी एनआईए ने वो सबूत जो है वो कोर्ट के सामने रखा था। कोर्ट ने हालांकि इसे सबूत नहीं माना है। साथ में एनआईए ने यह भी बोला कि किस तरह से इन आरोपियों ने पहले एक बार रेकी की और दूसरी बार फाइनल रेकी की और तीसरी बार वो यहां पर के जो है वो बम रख के गए थे। तो एनआईए अपनी तरफ से ये क्लेम कर रही है कि उसने बहुत सारे एविडेंस रखे हैं, लेकिन मूल बात यही है कि 11 साल बाद आज जितने भी आरोपी, 3 सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स बदले हैं इस केस में। पहले लोकल पुलिस थी, फिर सीबीआई आई और फिर एनआईए आई, तीनों ही जो है वो फेल कर गए और कोई भी आज आरोपी नहीं है, कोई भी दंडित करार नहीं दिया गया है। 9 लोग मारे गए थे यहाँ पे, 58 लोग जो थे वो इंजर्ड थे। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एनआईए ने किस तरह से ये डायल्यूट किया केस को। असीमा नंद को पिछले साल बेल हो गई थी मक्का मस्जिद वाले मामले में, तो उसे एनआईए को एक लाजमी सी बात है कि उसे उसे हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए था, लेकिन एनआईए ने अपील नहीं की। ये दलील दी गई कि एनआईए हेडक्वार्टर से क्लियरेंस नहीं आई है। इसके अलावा जो उनका जो एक
164 का जो बयान था जो उन्होंने 30,000 कोर्ट के आगे दिया था दिल्ली में, उसकी जो की पॉइंट से जो नेल कर रहे थे सीनियर आरएसएस के लोगों को, वो जो बिट था वो मिसिंग हो गया। यहाँ पे जो हैदराबाद में जो कोर्ट है नामपल्ली में, वहां पे जो की एविडेंसेस थे, जो की जो एविडेंस को इवेल्युएट करके उन्होंने लिंकेजेस बनाए थे, वो पेपर्स गायब हो गए। कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि आप कह रहे हैं कि ये सारे पेपर गायब हो गए हैं। नीता, ये एनआईए ने पेश किए थे लेकिन वो गायब हो गए हैं, कोर्ट तक पहुंचे नहीं, कोर्ट में थे और कोर्ट से गायब हो गए। जैसे कि जो जो 30,000 में असीमानंद का जो स्टेटमेंट था उसमें उसके जो की बिट्स थे वो वहां से गायब हो गए। सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं बालाजी, उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट भी किया था कि कहां चले गए पेपर्स, लेकिन फिर उसकी आगे जांच नहीं हुई। यहां पे भी एनआईए का जो नामपल्ली में कोर्ट है वहां से कुछ पेपर्स जो है वो गायब हो गए। जज ने ऑब्जर्व किया कि कहां पे, मतलब तुम लोग इन्वेस्टिगेटर से पूछा कि कहां चले गए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी से पूछा कि वो पेपर्स कहां चले गए, लेकिन कोई एक सिलसिलेवार उसमें भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई। और फिर जब असीमानंद को बेल हुई तो जो बेल है उसके खिलाफ जो है वो एनआईए हायर कोर्ट में नहीं गई, तो एक सिलसिलेवार एक सिलसिला चलता गया। एनआईए ने क्लेम किया था कि चार केसेस थे, सिर्फ मक्का मस्जिद का केस नहीं था। नीता, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो नीता कह रही है इस वक्त की अहम जो दस्तावेज थे, जो एविडेंस था, आप देखिए कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने कहा है एविडेंस नहीं है, वो एविडेंस जो थे वो बहुत सारे गायब हो गए हैं, दस्तावेज गायब हो गए हैं। ब्रेक के बाद मैं नीता से पूछूंगा कि क्या अगर ऐसा हुआ है तो क्या एनआईए फिर से फाइल करेगी, क्या वो दस्तावेज सामने लाए जाएंगे, क्या हायर कोर्ट में अपील किया जाएगा, क्या आगे है, एक ब्रेक के बाद। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में पांचों आरोपी बरी हो गए हैं। इस केस में शुरू से प्रॉब्लम्स आते रहे हैं। शुरू में 38 लोग अरेस्ट हुए थे, उनमें से कुछ कहा गए थे हुजी के लोग हैं, कुछ जेल में गए थे, उनमें से एक आज नीता शर्मा के साथ हैं। नीता, आप उनसे सवाल पूछिए, मेरा एक ही सवाल है, क्या उनको अब डर लग रहा है कि उनके ऊपर फिर से कुछ सवाल उठाए जाएंगे? ऑनन, यहाँ पे हमारे साथ तीन लोग हैं जिनको इस केस में जो है अरेस्ट किया गया था। इन लोगों को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था और बोला था कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में ये लोग भी इन्वॉल्व थे। जुनैद साहब, आपको क्या कह के गिरफ्तार किया गया था? आज जैसे अब आरोपी छूट गए हैं तो अब आप क्या कहेंगे? तो कहीं डर लग रहा है कि कहीं फिर इन्वेस्टिगेशन की सुई वापस ना आ जाए, ऐसा कुछ है जहन में? देखिए, पहले तो ये लोग गिरफ्तार करके मक्का मस्जिद के नाम से हमें गिरफ्तार किए थे, लेकिन मक्का मस्जिद का केस बुक नहीं की बल्कि एक दूसरा केस बुक किए। जब आज हकीकी लोग जिन्होंने जेल में बैठकर लेटर लिखा था कि मैंने ये किया है, इन लोगों को जेल से, इन लोगों का जेल में डाल जाना और कोर्ट से छूट जाना, ये बहुत बड़ी एक नाकामी है। यहाँ की हुकूमत और पुलिस चाहिए कि इस केस को आगे की अदालत में पहुंचाए और सख्त से सख्त एविडेंस लाकर हकीकी जो लोग हैं जिन्होंने जबान से कहा, अपने अमल से इस मस्जिद में ब्लास्ट किया जहां पर मासूम लोग शहीद हो गए, कई लोग जख्मी हो गए, उनको इंसाफ मिले ताकि लोग इंसाफ की तरफ सोचे, इंसाफ की तरफ आए, कोर्ट आगे की कोर्ट में लेकर आ जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आपको अरेस्ट कर लिया और फिर जब छूट कर आए, और कितना समय आपने जेल में बिताया? मैं बिल्कुल, मेरे सामने एक कॉलेज है यहाँ पर, मैं यहाँ पर उस दिन नमाज पढ़ने के लिए आया था। नमाज पढ़ने के जैसे ही ब्लास्ट हुआ मैंने कई लोगों को हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, कई लोग इंजर्ड थे, कई लोग डेड भी हो गए थे जिनकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला गया। जैसे ये केस में हमें उठाया गया, फिर हम बाहर निकले, 6 महीने के बाद बाहर निकले, इस केस के नौयत के हिसाब से मुझे नार्को टेस्ट भी कराया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पुलिस की एक वो थी हरासमेंट था, तमाम चीजें मुझ पर हुई। फिर मैं जब कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो मुझे रीएडमिशन लेना पड़ा, कोर्ट से अपीयर होना पड़ा, तमाम चीजें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद भी पुलिस का हरासमेंट कम नहीं हुआ, बार बार मुझे हरासा किया गया। आपके साथ क्या बीती? आपको भी कितने महीने जो है जेल में रहना पड़ा और आप करते क्या थे और आपके से इस केस के साथ लिंक हुए? देखिए, मेरे को 10 से 15 दिन तक इलीगल कस्टडी में रखा गया। मैं अपने घर के करीब में नमाज पढ़ा मक्का मस्जिद में, जब ब्लास्ट हुआ बल्कि मालूम हुआ जैसा दूसरे लोग मस्जिद की तरफ भाग के आया, मैं भी आया आके यहाँ के लोगों की मदद करा। कई लोग जो है ना हाथा पैर किसी के कट के जो है ना गिरे हुए थे, किसी का भेजा बाहर निकल गया था और पुलिस फायरिंग में भी बहुत सारे लोग मरे,
उनको जो है यहाँ के खरीब के हॉस्पिटल में लेके जा रहा था हमें। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद जब पुलिस वाले फिर दूसरे जब ब्लास्ट हुए यहाँ हैदराबाद में, उसके बाद मेरे को उठाए तो 10 से 15 दिन तक मेरे को इलीगल कस्टडी में रखे। उस टाइम पे तो ऐसा हमारे साथ जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक किया गया। हमारे को नंगे करके जो है ना पूरा बॉडी के ऊपर शर्ट दिए, लटकाया गया, मेरी दाढ़ी को पकड़ के मारा गया, मेरे को फुटबॉल की तरह जो है ना खुनल खुनल के जैसा फुटबॉल से खेलते इस तरीके से मेरे ऊपर जुल्म करे। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी जो लोग हकीकी आरएसएस के जो लोग थे इसमें ब्लास्ट में इनको पकड़ा गया, क्या उनके साथ जैसा हमारे साथ सलूक किया गया, हमारे को जैसा टॉर्चर करे, क्या उनके साथ ऐसा टॉर्चर करे, क्या उनके लिए जो है ना ऐसा एविडेंस लेकर आए जैसा हेमंत करकरे हिंदुस्तान में बताया कि ये मुस्लिम टेररिस्ट नहीं, ये हिंदू टेररिस्ट है और दूसरे ब्लास्ट भी है। तो ये आप ये इंटरव्यू करते रहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। नीता आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रखिए, आगे एनडीटीवी इंडिया पे दिखाएंगे। सवाल ये है जी, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हम मासूम हैं, हमें इस तरीके से किया गया, उसी तरीके से असीमानंद और बाकी आरोपी भी कह रहे होंगे कि हमें भी जबरदस्ती हमारे द्वारा लिखवाया गया है, तो ऐसे केस में जब इस तरीके से एविडेंस को तैयार किया गया और इस तरीके से एविडेंस गायब हो गया है तो आगे क्या होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। आगे कहां तक एनआईए ले जाएगी या क्या एनआईए अब अपना हाथ धोकर के कि बस यहीं पे क्लोजर है, ये आगे देखना पड़ेगा। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।